हर महादेव। ये है हरिद्वार का बस स्टेशन जो कि उत्तराखंड परिवहन निगम का ऑथराइज्ड बस स्टॉप है। यहाँ से आपको ऋषिकेश, हरिद्वार के अलावा जो देहरादून है, सहारनपुर है, दिल्ली है, इन सभी जगहों के लिए, यहाँ पर आसपास के सभी जगहों के लिए बस मिलती हैं। बट यदि आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर सरकारी बसेज नहीं मिलती, वो इस बस स्टॉप के जस्ट सामने रोड के पास, रोड के पार प्राइवेट बसेज होती हैं, उनके माध्यम से आप जा सकते हैं। तो मैं आ रहा हूँ रोड से बाइक कार, यदि आप आ रहे हैं रोड से बाइक कार या फिर किसी ट्रेन से आ रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन और उसके आगे हरिद्वार के बाद केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट बसेस करने पड़ेंगी जो कि आपको हरिद्वार के सामने जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बस स्टॉप है उसके जस्ट सामने से प्राइवेट बसेस मिलेंगी। मित्रों, यदि आप चार धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए आना चाहते हैं और आप ट्रेन से आते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा उतरने का जो रेलवे स्टेशन, वो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आप उतर करके यहां से आगे के लिए अन्य माध्यम यानी कि रोड के माध्यम से आप जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है वो तो ऋषिकेश के आगे नहीं जाती है। तो मित्रों, मैंने जो पता किया है उसके अनुसार हरिद्वार आ करके रेलवे स्टेशन से आप यहाँ पहुँच करके उसके बाद अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो यहाँ से प्राइवेट टैक्सीज भी हैं जो कि आपको सिंपली चार पैक्स की अगर बात करें तो लगभग 9,000 में सिर्फ ड्रॉप देती हैं, और यदि बद्रीनाथ के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये सिर्फ ड्रॉप का है, और राउंड ट्रिप अगर करते हैं तो बद्रीनाथ का तो 15,000 पड़ेगा। तो ये फुल आपको टैक्सी करके भी आप प्राइवेट में अगर जाना चाहें तो यहाँ से यानी कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप जा सकते हैं। यदि सस्ते में निपटना चाहते हैं तो आपके लिए बसेज और जो प्राइवेट जो शेयर्ड टैक्सीज हैं या गाड़ी ये वाहन है वो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही प्राइवेट रोड पर ही मिल जाएगा, और टैक्सीज के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं जो कि आपको सामने दिख रहा है बुकिंग ऑफिस। हर महादेव। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि हम अपने केदारनाथ जो तीर्थ यात्रा है उसका हमने आरंभ कर दिया है, और जो ऑफिशियल या फिर कहें तो जो औपचारिक जो शुरुआत है आरंभ, वो हमारा हो रहा है माँ धारी की मंदिर, जो देवी माँ हैं धारी माँ, इनकी मंदिर से ही हमने स्टार्ट किया है अपनी यात्रा का औपचारिक, क्योंकि माँ धारी का मंदिर इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ लीजिए कि इनसे ऊपर भगवान भोलेनाथ भी नहीं है। जी हाँ, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा बट ये सच है, ये माँ धारी माँ जो हैं ये चारों धाम की रक्षक मानी जाती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने आपके केदारनाथ बाबा का ये रास्ता, बद्रीनाथ बाबा का ये रास्ता, और ये स्थान है रुद्रप्रयाग, और यहीं से दिल्ली से यदि आप आते हैं बाय रोड तो आपको इसी मार्ग से आना पड़ेगा, और यहाँ से आपको दो रास्तों में विभाजित हो जाता है, पहले इधर जाना है तो इधर, उधर जाना है तो उधर, दोनों रास्तों का जो डिफरेंस है, और यहाँ से जो दिल्ली की दूरी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ जो केदारनाथ के लिए जो रास्ता है वो पहाड़ी से इधर उतरते हुए हमें इस साइड जाना होगा, वो जो आप छोटा सा ब्रिज देख रहे हैं उस ब्रिज से इधर जाएंगे और ये निकल जाएगा रास्ता हमारे केदारनाथ के लिए। और जो दूरी है ऋषिकेश से यहाँ की 180, श्रीनगर की 30, हरिद्वार की 148 एंड दिल्ली की 373। मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से केदारनाथ जो है वो 47 किलोमीटर और गौरीकुंड है 33 किलोमीटर, और मैं आपको बता दूं रुद्रप्रयाग के बाद और जहाँ आप गुप्त काशी है, गुप्त काशी के पहले के तक में कई जगह पर रोड बहुत ख़राब हैं और धूल मिट्टी चल रहा है और कई जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। तो यदि आप रोड से आ रहे हैं, यदि आप बाई रोड आ रहे हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रोड ख़राब है तो उसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
तो मित्रों मैं आपको क्लोज शॉट दिखा रहा हूँ हेलीपैड, जो कि नारायणकोटी में है और नारायणकोटी पड़ता है गुप्त काशी के बहुत पास। और यदि आप यहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं हेलीपैड के माध्यम से, हवाई यात्रा है उसके माध्यम से, ताकि आपकी जो यात्रा है थोड़ी सुगम हो सके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर पड़े हैं और ये हेलीपैड है। और इस हेलीपैड का बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, जो कि 5,000-7,000 की रेंज में है जो रिटर्न तक होते हैं। और यदि आप सिंगल चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन में ना मिले। तो मैं आपको बता दूं कि ये है हेलीपैड और मैं हूं गुप्त काशी से जस्ट आया हुआ, और यहां नारायणकोटी का स्थान है जहां पर ही आपको पहला, तीन में से पहला हेलीपैड आपको केदारनाथ यात्रा के लिए मिलता है। ये आप देख रहे हैं, आपको लैंडमार्क के लिए दिखा रहा हूं, और ये है ट्रैफिक। ट्रैफिक का जो सीन है वो अभी क्लियर होता हुआ कब तक होगा कुछ पता ठिकान नहीं चल रहा। तो मित्रों जो ये आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये सीतापुर बस स्टैंड के लिए है, और यहीं से पार्किंग होती है, पार्किंग के पास से आगे जो यात्रा है वो स्टार्ट हो जाती है। हमने जो होटल लिया है वो यहीं पर लिया है, यहाँ पर आपको रहने के लिए बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल्स हैं और ठीक ठाक और अच्छे होटल भी हैं। तो आगे जा कर के अगर आप रुकेंगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा, यहाँ पर आप रुकेंगे तो आपके लिए बेटर है। तो मित्रों ये स्थान वो है जहाँ से आप केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, ये है रास्ता जाता है केदारनाथ की ओर, और जो नीचे का रास्ता देख रहे हैं ये जाता है कार पार्किंग के लिए। कार पार्किंग यदि आप रोड से आते हैं तो आपको यहीं कहीं नीचे अपनी कार पार्क करनी होगी, और इन्हीं में से ये कई सारे यहाँ पर होटल हैं, यहाँ पर आप होटल में निवास कर सकते हैं। और यदि मैं अपनी बताऊँ तो मैं अब यहाँ पर अपनी कार पार्क करवा के फिर सीधा निकलूँगा होटल में, होटल में नाइट स्टे करूँगा और अर्ली मॉर्निंग सुबह इसी रूट से निकल जाऊंगा बाबा के दर्शन को ट्रैक पर। तो मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई सारी सावधानियां और कई सारे जो सफ़र यानी कि हमारा जो यात्रा है दर्शन का केदारनाथ जी का, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता भी पड़नी है, और चूंकि मौसम बहुत ख़राब है तो हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट थी जो कि हम लोग घर से यानी कि अपने अपने जो होम टाउन है वहाँ से नहीं लाए थे। तो उसके लिए जैकेट्स और मफलर और पोंचो और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, ये पूरा जो देख रहे हैं ये हमने अभी अभी परचेज कर लिया है, क्योंकि कल जहाँ हम लोग निकलेंगे यहीं से यानी कि अभी हमें सीतापुर देख सकते हैं पीछे, सीतापुर के आपका पार्किंग है, और यहाँ से यहाँ पे चूँकि मार्केट और यहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती मिल जा रही हैं, सस्ती इन द सेंस कि आगे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के लिए आपको डबल रेट्स पे करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं से परचेज कर लें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी अगर चाहिए कुछ कम भी पड़ जाए अगर तो यहाँ से कर सकते हैं। हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अपने केदार बाबा के दर्शन की यात्रा का आरंभ कर रहे हैं, तो हम बाइक कार अपनी कार को यहाँ पर पार्क कर चुके हैं, और इस पार्किंग का नाम है सोनप्रयाग। यहाँ पर कई सारी पार्किंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पर देख सकते हैं 3 फ्लोर की मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई गई है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप कार से आते हैं तो कार पार्किंग की जो चार्जेस है, फेयर या फीस जो कहे वो कितनी है, तो 120 रुपये है, वो उसका जो हिसाब है वो हिसाब है 12 घंटे का। यदि आप 24 घंटे के लिए आते हैं तो यानी कि 240 रुपये आपको एक कार के लिए पार्किंग का शुल्क देना पड़ेगा। तो कार पार्किंग करिए, आराम से उस रास्ते से ऊपर निकल जाइए, ये है ट्रैक का मज़ा। तो मैं पार्किंग के जो एकदम डिटेल्ड जो रेट्स है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बड़े वाहन का 150, छोटे वाहन गाड़ी का अगर बात करें तो 120, और अगर 3 दिन के बाद जाते हैं तो 300 रुपये पर डे के बेसिस पर लगेगा, और दोपहिया वाहन 50 रुपये प्रतिदिन, और 3 दिन के बाद जाते हैं तो 100 रुपये पर डे के बेसिस पर लगेगा। और ये सीतापुर और सोनप्रयाग दोनों का जो पार्किंग रेट्स है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो बस अब सिर्फ एक ही बात कहना है, हर हर महादेव। ये है त्रियुगी नारायण, अर्थात वो स्थान जहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से 13 किलोमीटर जाता है इस साइड, अर्थात ये वो स्थान है जहाँ पर शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, यानी कि उनका विवाह हुआ था। और ये भीड़ आपके समक्ष केदार बाबा के दर्शन करने के लिए इतनी संख्या है, मुझे लग रहा है कि ऊपर तो लाखों की संख्या में लोग होंगे। यहाँ पे कुछ होटल्स भी हैं, क्लॉक रूम्स भी हैं, ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ यहाँ पर आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, और यहाँ पर पूरी लाइन लगी हुई है, यहाँ से भक्तों को लाइन में भेजा जा रहा है ताकि आगे और रास्ते में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही यहाँ से आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए जो खच्चर है, व्यवस्था शुल्क है, उसका कितना पैसा लगेगा वो भी आपको दिख रहा है, जो कि प्रशासनिक शुल्क है। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, और ये है हमारा कतारबद्ध लाइन। एक चीज़ इसमें और अच्छी है कि श्रद्धालुओं के लिए अलग से बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि इधर से आने वाले वाहन या फिर खच्चरों के से कोई प्रॉब्लम, दुर्घटना ना हो। ये एक
बहुत अच्छी चीज़ है। 28 अप्रैल से 10 जून तक जालंधर वालों का 5वां भंडारा। ये है सोनप्रयाग का शटलपुर पार, यानी कि इस पुल को पार करने के बाद आपको आगे से मिलेगी शेयर टैक्सी, और जहाँ से आप आगे यानी कि वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से आपको एक्चुअली ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होती है। ये स्थान वहाँ वो स्थान है जहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, और यहाँ से यहाँ पर सभी दर्शनार्थियों को रोका गया है। यहाँ पर हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है, और ये है शटल पुल जो जिसको पार करके आप आगे के लिए निकलेंगे। भीड़ को कंट्रोल करना भी एक बहुत ही बड़ी भारी कार्य। आप देख सकते हैं ये भीड़ देखती है पुल पर पूरी तरह से। साइड में एक अलग से चैनल बना हुआ है जिस पर कि सारे दर्शनार्थियों को रोका गया है। यहाँ से शेयर टैक्सी की व्यवस्था की गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। तो मित्रों, इस समय हम कैब यानी कि जो यहाँ पर शेयर टैक्सी है उसमें हम एंट्री कर चुके हैं। गौरीकुंड के पहले जहाँ पर हमारा जो शटल पैदल पुल है, पुल उससे हम लोग वहीं से चौराहा टाइप तो बना हुआ, वहाँ से हमारे जो शटल जो टैक्सी है शेयर टैक्सी, उसकी जो व्यवस्था है प्रशासन द्वारा की गई है। और इस टैक्सी का जो एक साइड का किराया है वो 50 रुपये है, और इस टैक्सी में हम बैठ चुके हैं, और इसमें लगभग 8 से 10 लोग बैठते हैं। और इस तरह से आगे आप कैब में फिल हो करके इस रोड के माध्यम से आप आगे निकलेंगे वहाँ जहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट करना है, यानी कि गौरीकुंड से जस्ट थोड़ा पहले तक। तो इस समय हम लोगों ने जो शेयर टैक्सी थी उसको छोड़ दिया है, क्योंकि ये जाम लगा हुआ था, और यहाँ से लगभग 400-500 मीटर था आगे जहाँ पर टैक्सी को ड्रॉप करना था हम लोगों को। तो हमने सोचा कि पहले उतर जाते, समय बचेगा, इसलिए हम आगे पैदल ही बढ़ गए। ये स्थान है जहाँ पे आपको शेयर टैक्सी जनरली छोड़नी होती है, और यहाँ से फूड ट्रैक यानी कि आपको पूरा गौरीकुंड तक पैदल यात्रा करनी होगी। और यहीं से अगर आप पोर्टर करना चाहते हो तो पोर्टर यानी कि जो वो लोग जो कि सामान आपके साथ ढोकते हुए चलते हैं आपके केदारनाथ दर्शन तक, उनको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उनकी रेट्स जो है लगभग 2,000 से 3,500 तक मांगते हैं। आपके ऊपर है कितना बार्गेनिंग, या उनका जो सामान है आपका उनके अकॉर्डिंग आप कितना में बार्गेनिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मित्रों, यहाँ पर आप पालकी भी कर सकते हैं। यदि आप एकदम चलने में भी समर्थ नहीं हैं तो पालकी कर सकते हैं, बट उसका पैसे बहुत ज़्यादा हैं। अभी जो मैंने सुना वो 12,000 रुपये है। तो आप देख सकते हैं, आपका सक्षम हो तो आप कर सकते हैं। तो मित्रों, फाइनली हमने पोर्टर कर लिया है, सारे बैग्स जो हम लोगों ने इसमें डाल दिया, कुछ अपने साथ रखे हैं, और अभी हम चाय के लिए रुके हैं। ये है हमारा गौरीकुंड, चाय का यहाँ पर हमारी व्यवस्था, और अब हम यहाँ से चाय पीने के बाद सीधे निकलेंगे उधर, और उधर से आगे निकल जाएंगे ट्रैक पर। तो यदि आप रास्ते में कुछ खाना चाहें तो आपको जलेबियाँ भी दिख रही हैं, तो आपका अगर मन डोले तो डोलने दीजिएगा, खा लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे यात्रा चलती रहेगी हमारी। ये है गौरीकुंड, और गौरीकुंड का जो नाम है इसी कुंड पर पड़ा है जहाँ से बहती है गर्म पानी की धारा और उधर ठंडी पानी। तो जैसा कि आपने देखा, जंगल चट्टी अभी 1 किलोमीटर और है, और हम कर रहे हैं यात्रा। तो मित्रों, हम लोग अभी तक में फाइनली पहुंच चुके हैं चीरबासा, जो कि है यहाँ भैरव मंदिर। आप देख सकते हैं ये भैरव मंदिर, और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था केंद्र भी है। भैरव जी के दर्शन करिए, और ये एक तरह से पड़ाव है, यहाँ पर लोग रुक सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी है, और खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ पर मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी, और यहाँ के जो सीन है, नज़ारे, वो कुछ इस प्रकार से है। आपको मैं बता दूँ, ये जंगल चट्टी लगभग 4 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमारा जो केदारनाथ बाबा का जो ट्रैक है
वो लगभग 12 किलोमीटर अब बचा है, यानी कि 16 में से 4 माइनस 12 बचे हैं और हम प्रगति पथ पर हैं। मैं तो कभी इसमें धूप हो रही है इस ट्रैक में, कभी छांव, कभी हल्की बारिश, आगे तो बर्फबारी भी होनी है, तो हर परिस्थितियों के अनुकूल आपको रहना है और सारी सुविधाओं के साथ में ही चलना है। और कहना है तो बस एक ही चीज़, हर हर महादेव। मित्रों, इस समय हम जंगल चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं और समय की बात करूं तो 10:03 हो गया है और इस समय लगी है बहुत ज़ोर की भूख, तो हमने सोचा कुछ यहाँ पर भोजन पान भी कर लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, आप देख सकते हैं ये है भीमा कॉम्प्लेक्स भीम बल्ली और यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो घोड़ा और जो खच्चर है उनका हॉल्ट भी, आप उनकी सहायता भी या अगर नहीं लिए हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि वो भीमबाड़ा वहाँ पर है और यहाँ से लगभग देखा जाए तो लगभग 9 किलोमीटर बाबा धाम है और यहाँ से 800 मीटर वो स्थान है। तो हम यहाँ आ चुके हैं और इन मासूम चेहरों को भी आप देख सकते हैं कितने प्यार से ये। अब तो मित्रों, इस समय हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ से ये रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है, अर्थात भीमबली वहाँ से निकल के आना है, हमें इधर जाना है। ये रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग कट है और ये खच्चरों के लिए है, यदि आप इंसान हैं तो आपको इस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो हमने ये रास्ता चूज़ कर लिया है और ये रास्ता इंसानों के लिए है, यानी कि शॉर्टकट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय हम हैं भीमबली से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से जो रामबाड़ा है वो लगभग 400 मीटर की दूरी पर उधर है और यहाँ से बाबा धाम वो लगभग 9 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो दो रास्ते बढ़ जाते हैं, एक है खच्चरों के लिए और एक है इंसानों के लिए। यदि हम इंसान हैं तो हम तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमने ये रास्ता चूज़ कर लिया और ये शॉर्टकट भी है। तो बस नीचे देखिए, खच्चरों के लिए स्पेशली रास्ता बनाया गया है, वो जा रहे हैं और हम लोग इधर से निकल रहे हैं और सामने बर्फ़ के बीच बाबा धाम। घंटी लगा है ना, यहाँ है हनुमान जी मंदिर, रास्ते में आता है। तो मित्रों, ये है पूरा मेन ट्रैक, बट यदि आप थोड़ा सा अच्छा सा चल सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो रैंप के बजाय आप वहाँ, आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, वहाँ से आप डायरेक्ट ट्रैक करके भी चल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने वाला रूट, ये आएगा आपको यहाँ पे। तो आपको यदि चलने में दिक्कत ना हो, आप थोड़े से हेल्दी हो या ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए रूट शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे कि मैं अभी उस पर ही जा रहा हूँ। और पानी की व्यवस्था यहाँ पे हर जगह है, तो पानी तो पीते रहना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का दिक्कत हुआ तो आप तो कहीं भी गिर पड़ेंगे। हर महादेव। जय शंभु, हर हर महादेव। इस समय लगभग 3 किलोमीटर पार करके और मेरे पीछे देख रहे हैं बर्फ की पहला झलक जो है पहाड़ी की, वो दिख रही है, यानी कि हम लोग स्नो भी देख सकते हैं। और ये स्थान है चीरबासा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इस रास्ते में भले ही ठंड है बट आपको हाइड्रेटेड रहना है, तो पानी पीते रहिएगा और जयकारा महादेव को लगाते रहिएगा। मित्रों, इस समय हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा, यानी कि हमारा जो केदारनाथ ट्रेक, यानी कि जो पूरा 16 से 18 किलोमीटर का जो सफ़र है उसका मिड पॉइंट। और यानी इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हम लोगों ने अपनी यात्रा का आधा पड़ाव कंप्लीट कर लिया है और आधा बाकी है। तो इसी के साथ चलते रहेंगे, अभी हम यहाँ से कुछ और भी ट्रिक करने वाले हैं। यहाँ पहुँचने पर हमने थोड़ी सी मैगी यानी कि पेट पूजा भी किया था, क्योंकि ताकत भी चाहिए।
तो बस यहाँ से आगे निकलना है और उधर निकल जाएंगे सीधे बाबा के पास। तो विश्राम करने का भी अपना सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरे सामने जो मैंने आपको अभी दिखाया वो भी एक तरीका है। तो मित्रों इधर सूर्य भगवान तो दिख रहे हैं लेकिन हवा बर्फ से आ रही है और बर्फ की तरह आ रही है। पानी भी अगर आप पीजिएगा तो लगेगा कि बर्फ का पिघला हुआ जो तुरंत तुरंत का जैसे फ्रीज का जो आइस वाटर होता है वैसा आ रहा है। ठंडी हवा बहुत है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं हाफ में हूँ तो मेरी बात अलग है क्योंकि मैं बहुत हॉट हूँ, ठीक है। तो मेरे को पसीना बहुत हो रहा है इसलिए मैं अपने जैकेट को बांध के रखा हूँ। बट अभी मैं बता दूँ कि इस समय लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बीच अभी के और यात्रा हमारा बाकी है, यानी कि उधर जाना है, ये रास्ता है और अभी हम यहाँ हैं और लगभग 6 किलोमीटर के अंदर बाकी है। केवल एक ही बात, जय बाबा केदार। बस तो मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि पहाड़ी है तो पहाड़ी पर आपको पानी की दिक्कत नहीं होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने हेल्थ या फिटनेस को लेकर तो बात अलग है। आप मिनरल वाटर ले सकते हैं जो कि यहाँ पर बहुत महंगी होती है। यदि आप 20 रुपये की बॉटल है तो यहाँ पर आपको 40, 60, 70 कुछ भी मिलेगा, कोई रेट नहीं है। बट यदि आप प्राकृतिक जीवन को जीना चाहते हैं और नेचुरल मिनरल्स की जो वाटर है जड़ी बूटी वाली पीनी चाहते हैं तो बहुत साफ़ बहुत अच्छी पानी आपको हर जगह मिलती रहती है हर पहाड़ी से और लोग बिंदास ग्रहण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। मित्रों ये आप देख रहे हैं यहाँ का स्पेशल ट्रैक्टर है जिसको कि छोटा ट्रॉली कह सकते हैं। इसी के माध्यम से पहाड़ों पर जितनी दुकानें हैं उसमें जो स्टॉक है राशन है उसकी सप्लाई होती है। छोटा सा होता है ये, यहाँ का गुड्स कैरियर है। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत देरी के बाद यानी कि एज़ पर द जो माइल स्टोन या फिर जो लैंडमार्क है कह सकते हैं जिस पर कि ये अंकित होता है कि अभी कितनी दूरी पर कौन सी स्थान है, तो उसके अनुसार केदारनाथ अभी 5.5 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत देर के बाद हमें स्लोप देखने को मिला है जो कि उधर तक जाता है। स्लोप मिलता है तो थोड़ी गति बढ़ जाती है और हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो कुछ ऐसा है। और ये सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं यहाँ से हमें बर्फ़ का आनंद और जो अवलोकन है वो मिलना आरंभ हो गया है। तो बर्फ़ देख करके एक एनर्जी ऊर्जा अपने आप में आ जाती है और ठंड बहुत लग रही है। सूर्य की किरणें तो 2 घंटे पहले ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और यहाँ पर अब हमें बर्फ़ भी देखने को मिलने लगा है। तो आगे का राह थोड़ा हमारा कठिन है क्योंकि बर्फ़ भी मिलेगा, बर्फ़ की दीवारों के बीच में से हमें जाना भी होगा और पानी भी ज़मीन पर मिलता रहेगा और साथ में से कई जगह बर्फ़ भी मिलेगा। यहाँ पर सामान जो है कि टेंट के आ चुके हैं, आज रात में ही यहाँ पर कुछ टेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, अर्थात रहने के यहाँ पे बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल का समय है या कि यहाँ पर आपको रहना रहने का जो स्थान है रूम है होटल प्लेस मिल पाना बहुत मुश्किल है। भीड़ बहुत है, होटल्स या फिर टेंट्स बहुत कम हैं। उसके लिए जो कि टेम्परेरी जो व्यवस्थाएं होती हैं कैंपिंग की या टेंट की वो इस प्रकार से भी हो रही हैं। तो ये अपने आप में अगर आप यहाँ रुकते हैं तो भी अलग अनुभव है और इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं इसके लिए मैं आपको बताना उचित समझा। अत्यंत सुंदर अद्भुत अद्वितीय तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर ही जाना है, उधर ही महादेव हैं। महादेव का स्वरूप आपके सामने शिवलिंग स्वरूप में साक्षात उपस्थित है, उपलब्ध है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर अभी और है और यहाँ पर नीचे देखिए बहुत सारे कैंपिंग यहाँ पर अवेलेबल हैं, छोटे बड़े एक एक दो दो करके चारों तरफ टेंट्स लगाए गए हैं
और निरंतर लगने अभी जारी भी हैं। मित्रों शाम हो चुकी है, बस अब अंधेरा होना बाकी रह गया है, लाइट्स जल चुकी है और हम सुबह से अभी तक चल रहे हैं और बाबा के आशीर्वाद को तरस रहे हैं। मित्रों हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर बर्फ के दीवारों के बीच से जाना होता है और वो स्थान ये है। पानी नीचे भरा हुआ है क्योंकि ये बर्फ दोनों साइड से पिघल रही है और गड्ढे भी हैं, देख सकते हैं। ये दोनों साइड में ये बर्फ है। और जमीन पे भी बर्फ है, स्लिप बहुत तगड़ा कर रहा है। दिन होता तो इसका नज़ारा कुछ और ही होता। मित्रों इस समय हम चल तो रहे हैं, रात हो गया है, केदारनाथ यहाँ से अभी एज पर दिस नेम प्लेट 4 किलोमीटर, बेस कैंप ढाई और भैरव गधेरा है 200 मीटर। तो दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि रात के समय यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कई जगह नहीं है, तो आपको टॉर्च पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से आगे आपको बढ़ते रहना है। तो मित्रों यह है यहाँ की ठंडी, सामने है बर्फ और इस समय लगभग 10:30 बजने वाले हैं और हम लोग अब सबसे पहले अभी जस्ट पहुँचे ही हैं। तो हमने खाना खाने का डिसाइड किया क्योंकि खाना ख़त्म हो रहा है, मैक्सिमम जगह का तो ख़त्म भी हो चुका है। तो बस खाना खा के रूम ने हम लोगों ने देख लिया है पास में ही, वो रूम में फिर जाके फटाक से रेस्ट करेंगे और फिर आगे का काम। सो सुप्रभात मित्रों, आपको बहुत बहुत बधाई हो, महादेव के धाम से मैं आपको सुबह की सुप्रभात बोल रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने रूम लिया था, कल रात में आए थे, आज ये हमारा जो सुबह का जो पहला वीडियो है यही है। कल हम रात में आए थे, इतने थक गए थे कि बस भोजन किया और सीधा रूम में आ सो गए। तो ये रूम आप जो देख रहे हैं ये इस प्रकार से रूम हमने यहाँ पर लिया था और इसका जो हमें किराया जो देना पड़ा वो लगभग 10,000 रुपये था। लेकिन अच्छा ये है कि यहाँ पर बाथरूम था। बहुत जगह दिक्कत ये आ रही थी कि पानी नहीं थी क्योंकि इतनी ठंडी है, बर्फ़ है बाहर, मैं आपको दिखाऊंगा, पानी जाम हो जा रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा था। इनके यहाँ पे पानी की सप्लाई थी, बाथरूम भी ठीक ठाक है आप देख सकते हैं और रूम ये है। और यहाँ से बाबा के दर्शन भी सामने हो जा रहे हैं, मैं छत पर से जाके सुबह किया दर्शन और ये एकदम पास में सामने से रोड जा रही है जहाँ से दर्शनार्थियों की, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो देखिए वो वहाँ पे पूरी लाइन लगी है दर्शनार्थियों की, भक्तों की लाइन लगी है और ये सभी लोग लाइन लगा के सुबह से दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए मित्रों, बर्फबारी हो रही है। इस समय हम केदारनाथ धाम के जस्ट बाहर में खड़े हैं और इतना सुंदर नज़ारा जो मिल रहा है ऐसा आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है कि आप इस ऐसे सीज़न में आओ कि आपको दर्शन भी हो और साथ में ये बर्फ जो इतना सुंदर अद्भुत अवसर है यहाँ पर दर्शन करने का। बर्फबारी और केदार भगवान के दर्शन,
समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्योंकि ठंडी इतनी है, बर्फबारी हो रही है, जुबान, हाथ, दिमाग सब कुछ लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन बाबा के दर्शन करने का अवसर इतना दुर्लभ जो मिल रहा है, इसको मैं व्याख्यात नहीं कर सकता। खतरनाक, अमेजिंग, सुपर। जय बाबा केदार, जय श्री केदार। इस सुअवसर का प्राप्ति इतना आसानी से हो जाएगा, मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था। बस एक ही बात, जय श्री केदार। मंदिर में दर्शन करना बहुत आवश्यक है, साथ ही साथ पेट पूजा भी आवश्यक है, क्योंकि भूखे ज़्यादा देर तक यहाँ आप पहाड़ियों में नहीं सर्वाइव कर सकते। तो इसलिए मैं आपको कल रात में भोला रेस्टोरेंट में खाना खाते दिखाया था, और जो कि मेरे पीछे है वहाँ पे भोला रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर है शिवालिक हिल रेस्टोरेंट। तो इसमें अभी हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर खाना बन रहा है। डोसा है, खाना है, पराठा है, चावल है, चना, मसाला, सब कुछ है। मित्रों, उधर है बाबा केदारधाम और सामने आपके बर्फ है, और इधर हम साउथ इंडियन डोसा का आनंद ले रहे हैं। तो जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने साउथ से आकर के उत्तराखंड में, उत्तर हमारे भारत में केदारधाम की स्थापना की थी, उसी प्रकार से हम साउथ इंडियन का जो भोजन है उसका आनंद यहाँ पर बड़े आराम से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस समय होटल चेंज कर दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक था, और जो रूम अभी हम लोगों ने लिया है वो देख के आप मतलब एक्साइटमेंट की बाढ़ में बह जाएंगे। ये रूम देखिए, पहले तो ये रूम आपको दिख सकता है कि कोई बहुत ऐसा एडवांस नहीं है, नॉर्मल है, बट ये रूम मिल पाना भी इस केदारनाथ धाम में बहुत ही क्रूशियल, मतलब क्या बोले, मतलब मिल गया तो आपका भाग्य है। तो ये 4 बेडरूम का हम लोगों ने रूम लिया, 4 बेड का रूम है, और इसका रेट ऑलमोस्ट हम लोग को 8,000 पड़ा है। और इसका व्यू जो है, आप ये देखिए व्यू, आप देखिए ये, यहाँ से बाहर निकले आप बालकनी से और आपको सीधा बाबा केदार के दर्शन, और सामने ये बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, मतलब दिल खुश, और दिल होता ना यहाँ पर रूम लेने के बाद जैसे होता दिल गार्डन गार्डन हो गया है, एकदम मज़ा आ गया। मित्रों, कुछ इस प्रकार से हमारा दर्शन हुआ, आए तो मौसम क्लियर था, बीच में अच्छी खासी बर्फबारी हुई जिससे कि दिल खुश हो गया, बाबा के दर्शन हुए, और आज अभी हमें निकलना है। मौसम आप देख सकते हैं पूरा क्लियर है, धूप हो रखी है, एकदम मस्त है, और इस प्रकार से ही कुछ हमारा केदारनाथ ट्रिप और दर्शन रहा। मित्रों, फिर मिलेंगे हम किसी नई ब्लॉग में, किसी नई एडवेंचरस और रोमांचित यात्रा में और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हर हर महादेव।